होटल राजमहल एपिसोड 78 आयुषी का इंतकाम। होटल राजमहल में पहुंचकर आयुषी के मम्मी पापा रोहन और रिया विशाल और दिव्या से पूछते हैं कि कहां है वो सबूत जिसके लिए उन्हें यहां बुलाया गया है। लेकिन तभी अचानक से होटल में तेज हवाएं चलने लगती हैं, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तभी अचानक से किसी की पायलों की छन छन करती हुई आवाज आने लगी और सीढ़ियों से एक आकृति नीचे उतरती हुई आई। वो आकृति एक लड़की की है जिसने दुल्हन का लाल जोड़ा पहना हुआ है और उसके चेहरे पर घूंघट मौजूद है। वो लड़की पूरी तरह से दुल्हन के रूप में तैयार है। उसे देखकर रोहन और रिया वहीं अपनी जगह पर खड़े रह गए। उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई और उनके हाथ पैर कांपने लगे। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और उस लड़की का घूंघट अपने आप उड़ गया। उसका चेहरा देखकर वहां खड़े सब लोग अपनी ही जगह पर खड़े रह गए। उन सब के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए और किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आयुषी है, मगर इस बार वो उनकी प्यारी सी दिखने वाली बेटी नहीं है। वो एक आत्मा है जो अपने बदले की आग में जल रही है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी है, जिनसे खून बह रहा है। उसका लाल जोड़ा पूरी तरह से खून से सन चुका है और उसके हाथ पर एक कट लगा हुआ है जिससे लगातार खून बहता जा रहा है। उसके पूरे चेहरे पर जगह जगह निशान है। आग में जलने की वजह से उसका पूरा शरीर जला हुआ है और जहां तहां से मांस के लोथड़े निकल रहे हैं। उसका यह डरावना रूप देखकर रिया अपने आप को संभाल नहीं पाई और डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसके चिल्लाते ही चारों तरफ से आवाज सुनाई दी। ये देखकर रिया तुरंत रोहन के गले लग गई, मगर रोहन भी डर के मारे अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रहा। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर रीना और धर्मेंद्र के दिल को बेहद चोट पहुंचती है। गुड़िया! वो दोनों उसका नाम चीखते हुए रोते रोते अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, मगर इस वक्त आयुषी की नजरें सिर्फ और सिर्फ रिया और रोहन पर टिकी हुई है। वो काफी धीमी रफ्तार से गहरी सांसें लेती हुई उन दोनों की तरफ बढ़ रही है। उसकी सांसों की आवाज और गर्माहट पूरे होटल राजमहल में फैल चुकी है। उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर रिया और रोहन अपने कदम पीछे हटाने लगते हैं और देखते ही देखते वो होटल राजमहल के दरवाजे से जा टकराते हैं। वो डर के मारे दरवाजा पीटना शुरू करते हैं। कोई खोलो, कोई दरवाजा खोलो, प्लीज हमें यहां से बाहर निकालो कोई। तभी अचानक दरवाजा खुद से खुल जाता है और ये देखकर रिया और रोहन फटाफट एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से बाहर भागने ही लगते हैं कि तभी उन्हें सामने से आयुषी की आत्मा अंदर आती दिखाई देती है। ये देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने भी आयुषी दिखाई देती है। रोहन और रिया जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कोई कोई हमें बचाओ, मदद करो हमारी। लेकिन उनके चीखने चिल्लाने की आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही है। उनकी ये हालत देखकर अचानक से होटल राजमहल के चारों तरफ से बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज वहां गूंजने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर काफी सारे लोग हैं जो रिया और रोहन की इस हालत पर हंस रहे हैं। आयुषी की नजर सिर्फ और सिर्फ रिया पर टिकी हुई है। तभी उसके बढ़ते कदम अचानक से रुक गए और उसकी डरावनी खुखार आवाज होटल राजमहल के चारों तरफ गूंज उठी। क्यों? जवाब दो, क्यों? आयुषी का यह सवाल सुनकर उसके मम्मी पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। क्यों मारा मुझे रिया तुमने? क्यों? तभी उसने जोर से चीखते हुए अपना मुंह खोला
ये सुनते ही आयुषी के मम्मी पापा को एक जोर का झटका लगा। उन्हें जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वहीं रिया अपनी बहन के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मुझसे गलती हो गई दीदी, मुझे प्लीज माफ कर दो। इतना कहकर रिया जोर जोर से रोने लगी। आयुषी के पेरेंट्स के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है। वो आज तक यही मानते रहे कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। रिया को रोता देखकर आयुषी ने कहा, माफ कर दो, कर दो, और वो भी तुम्हें, तुम्हें अपनी कातिल को, कातिल को। तुमने मेरी जान ले ली, मेरे माँ बाप के सामने मुझे नीचे गिराया, मुझ पर आत्महत्या करने का आरोप लगाया। मेरे होने वाले पति से मेरी ही शादी वाले दिन उससे शादी कर ली, और तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ कर दो। गुस्से से आयुषी की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसकी आवाज बेहद डरावनी हो गई। आयुषी ने आगे कहा, मुझे जवाब चाहिए रिया, क्यों किया तुमने मेरे और मेरे माँ बाप के साथ ऐसा? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने ये दिला दिया मुझे, आखिर क्या वजह थी? ये सवाल सुनकर अपने आंसुओं को हाथों से पोंछते हुए रिया ने जवाब दिया, आपने क्या नहीं किया दीदी, सिर्फ सिर्फ आपकी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। हमारे घर में मुझे हर कदम पर नीचा दिखाया जाता था और आपकी हर कदम पर तारीफ होती थी। सब लोग आपको पलकों पर बिठा कर रखते थे, मगर ये किसी को याद भी नहीं था कि मैं भी उसी घर की एक बेटी हूं। रिया की बातें सुनकर रीना और धर्मेंद्र के होश उड़ गए। एक पल को उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कान शायद उन्हें धोखा दे रहे हैं। रिया, जिसे वो अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, उसी ने उनसे उनके कलेजे का टुकड़ा छीन लिया था। वहीं रिया आगे बोलती है, आप लोगों को तो इस बात की भी भनक नहीं है, मगर हर कदम पर मेरे माँ बाप ने मुझे नीचे दिखाया। हर कदम पर मुझे कहा जाता था कि मैं आयुषी दीदी की तरह सुंदर क्यों नहीं दिखती, मैं उनकी तरह पढ़ने में होशियार क्यों नहीं हूँ, मैं उनकी तरह बिजनेस क्यों नहीं संभाल सकती, और मैं पेंटिंग क्यों करती हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहते थे, यहाँ तक कि वो लड़का जिससे मैं बचपन से प्यार करती थी उसका रिश्ता भी आपसे तय कर दिया गया। किसी ने मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। क्या तुम रोहन को पसंद करती थी? रीना ने हैरानी से रिया की तरफ देखते हुए पूछा। रिया तुरंत उठकर रोहन के पास चली गई और उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं बचपन से रोहन को पसंद करती थी और रोहन भी मुझे पसंद करता था, मगर हमारे परिवारों की वजह से उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मैं इस बात को सहन नहीं कर पाई। और तब हम दोनों ने ये प्लान किया कि हम आयुषी दीदी को अपने रास्ते से हटा देंगे। ये सुनते ही आयुषी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे मार दिया सिर्फ इसलिए मेरे बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे मैं तो तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक बार मुझसे कहा तो होता कि तुम रोहन से प्यार करती हो, मैं हंसते हंसते इस शादी से मना कर देती। लेकिन तुमने एक लड़के के लिए अपनी बहन को जान से मार दिया। इतना कहते ही आयुषी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने रिया को उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा दिया। आज मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी झेलूंगी। तभी रोहन भागता हुआ आगे आया और आयुषी के कदमों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, आयुषी, तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। रिया ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरे कहने पर किया। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत समझाया था, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे पापा ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स किया।
इसी बीच रिया खुद को खत्म कर लेना चाहती थी, लेकिन हम तीनों में से तुम्हारा मरना ही सही था, इसीलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सुनते ही आयुषी ने रिया को दूर फेंकते हुए कहा, तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि कितनी तकलीफ होती है जब कोई अपना हमसे दूर हो जाता है। जैसे मेरे माँ बाप मेरे लिए तड़पे हैं, अब तुम रोहन के लिए तड़पोगे। इतना कहते ही आयुषी ने अपने एक हाथ से रोहन की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा दिया। उसके लंबे लंबे नाखून रोहन की गर्दन में गड़ गए। जब रिया ने देखा कि आयुषी कभी भी रोहन की जान ले सकती है, तो वो तुरंत आयुषी के पैरों में गिर गई और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, दीदी दीदी प्लीज दीदी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, भगवान के लिए हमें माफ कर दो दीदी, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं दीदी, उनके सर से बाप का साया मत छीनो प्लीज दीदी। क्या तुमने मुझे छोड़ा था? क्या तुम्हें मुझ पर तरस आया था? क्या तुमने मेरी जान लेने से पहले एक बार भी सोचा था कि मेरे आगे मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है? क्या तुमने ये सोचा था कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा? तुमने इस लड़के के लिए अपनी जलन में अलझी होकर मेरी जान ले ली थी, और अब मैं इसे तुम्हारी जिंदगी से अलग करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी रिया। वही होगा मेरा बदला और वही होगी तुम्हारी सजा। इतना कहकर आयुषी ने एक हैवानियत भरा रूप ले लिया और चिल्लाते हुए एक झटके में रोहन की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। नहीं! रिया चीखती चिल्लाती हुई अपने घुटनों पर बैठ गई। दिव्या भी इस खौफनाक मंजर को देख नहीं पाई और उसने तुरंत अपने आप को विशाल के सीने में छुपा लिया। ये सब देखकर विशाल के भी रोंगटे खड़े हो गए और उसके पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। होटल राजमहल के चारों तरफ खून ही खून फैल गया। रिया अपने पति की आधी अधूरी लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही है और अपना सर पीट रही है। वो कभी अपने आप को दोष देती तो कभी अपनी किस्मत को। दूसरी तरफ रीना और धर्मेंद्र को ऐसा लग रहा है जैसे आज उनसे बड़ा बदकिस्मत और कोई नहीं है। 7 साल पहले अपनी जिस बेटी को वो दोषी मान रहे थे, असल में उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था। जिस बेटी को वो अपने घर का कलंक मान रहे थे, असल में उसी की बहन ने तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले ली थी। वो रोते रोते आयुषी की तरफ देख रहे हैं, जो अब एक बार फिर से शांत होकर अपने असली रूप में आ चुकी है। अब उसका चेहरा वही सुंदर और प्यारा लग रहा है जैसा 7 साल पहले लगा करता था। गुड़िया, रीना रोते रोते तुरंत भागते हुए अपनी बेटी के पास गई, मगर जैसे ही उन्होंने आयुषी को गले लगाने की कोशिश की, तभी अचानक से उनके कदम लड़खड़ा गए और वो आयुषी को छू भी नहीं पाई। उनका हाथ आयुषी के जिस्म के आर पार हो गया। वो हैरानी से आयुषी के चेहरे की तरफ देखने लगी और आयुषी ने एक बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा, माफ करना माँ, मगर आज मैं तुम्हें गले नहीं लगा पाऊंगी। गुड़िया बेटा, माफ कर दे मुझे, मैं बाप होकर भी तुझे बचा नहीं पाया, मैं तुझे बचा नहीं पाया मेरे बच्चे। धर्मेंद्र शर्मा रोते रोते अपने घुटनों पर बैठ गए, मगर आयुषी ने जवाब दिया, नहीं पापा, इस सब में आप लोगों की कोई गलती नहीं है, मेरे साथ जो होना था और जो मेरी किस्मत थी वो हो गया, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि आज इतने सालों बाद मैंने आप लोगों का चेहरा देखा, मैं आप लोगों से बात कर पाई। उसने होटल राजमहल की तरफ नजर घुमाते हुए कहा, मैं पिछले 7 सालों से इसी होटल के अंदर भटक रही हूं, मैं पिछले 7 सालों से उसी आग में जल रही थी, मगर आज दिव्या और विशाल की वजह से मुझे मुक्ति मिल गई और सच आप लोगों के सामने आ गया।
इतना कहकर आयुषी ने दिव्या और विशाल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए और आखिरी बार मेरे माँ बाप से मिलाने के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया। मैं चाहकर भी शब्दों में नहीं बता सकती कि आपने मेरे लिए क्या किया है। उसकी बातें सुनकर दिव्या और विशाल की आंखों में भी आंसू आ गए और विशाल ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज के बाद आपको इस होटल राजमहल की चार दीवारी में भटकना नहीं पड़ेगा। अब आप आखिरकार इस होटल राजमहल की आग से मुक्त हो गई। उसी वक्त अचानक से होटल राजमहल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वहां से एक तेज रोशनी होटल के अंदर आ गई। माँ, पापा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते हुए मुझे याद रखना। अगर अगली बार ऊपर वाले ने जन्म दिया तो वादा करती हूँ कि एक बार फिर आपकी ही बेटी बनकर इस दुनिया में आऊंगी। अब चलती हूँ। आयुषी के चेहरे पर एक सुकून है मगर उसकी आंखों में नमी है। देखते ही देखते वो उस तेज रोशनी के अंदर गायब हो गई। गुड़िया, मेरी बच्ची। पीछे रह गए तो बस रोते बिलखते उसके माँ बाप। आयुषी के जाने के बाद दिव्या के आंसुओं का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। आयुषी और रिया की कहानी ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? विशाल ने दिव्या को संभालते हुए पूछा। विशाल, आखिर ये कैसी दुनिया है जिसमें एक बहन ने ही अपनी बहन का खून कर दिया। बहन तो मेरी भी थी और वो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी, लेकिन ये सब देखकर तो मेरा रिश्तों पर से विश्वास ही उठता जा रहा है। इतना कहकर वो विशाल के गले लग गई और रोने लगी। विशाल ने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूं दिव्या, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए रिश्तों का कोई मोल नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे लोगों की वजह से अच्छाई को ही भूल जाए। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छाई की मिसाल कायम करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों की परवाह करते हैं। हाँ, और उनमें से एक तुम भी हो जो अपनी परवाह ना करते हुए इस होटल की आत्माओं को मुक्त कराने की कोशिश में लगे रहते हो। तुम्हारी वजह से हर दिन मुझे जीने की एक नई वजह मिलती है विशाल, दिव्या ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। उन दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई हैं और उन दोनों के चेहरे पर एक सुकून है। उसी वक्त अचानक से ऊपर के फ्लोर से बहुत सारे लोगों के एक साथ मंत्र और पूजा पाठ करने की आवाजें आने लगी। उस आवाज को सुनकर दिव्या और विशाल हैरान रह गए और एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। ये इस वक्त आवाजें कैसी? वो उन आवाजों की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही उनकी नजर अपने सामने पड़ी उनके होश उड़ गए। ऐसा क्या देख लिया विशाल और दिव्या ने? इस वक्त होटल राजमहल में मंत्र कौन बोल रहा है? कौन सी आत्मा है जो अब विशाल और दिव्या के सामने आने वाली है? क्या कभी विशाल और दिव्या इस होटल राजमहल से मुक्त हो भी पाएंगे या नहीं? ये जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल।